हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोक भाषा, लोक कला, लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर जिला सोलन के निर्मल ग्राम पंचायत नौणी मंच गांव में हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला व डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीठ हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला तथा सोलन साहित्यक संगम के संयुक्त तत्वाधान में लोक साहित्य में लोक भाषा के योगदान विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परमार पीठ के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं सोलन जिला राजस्व अधिकारी केशव राम ने अध्यक्षता की। वहीं डॉक्टर शंकर वशिष्ठ ने सभी का अभिनंदन किया तथा वरिष्ठ साहित्यकार एवं नौणी पंचायत के प्रधान मदन हिमाचली ने मंच का संचालन किया। इस कार्यक्रम में सोलन के 25 साहित्यकारों ने भाग लिया तथा बघाटी बागली बोलियों के संरक्षण पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश ने परमार पीठ की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि स्नातक तक तथा स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं हिमाचली पहाड़ी भाषा में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कर सकेंगे। स्नातक के लिए 23 वर्ष तक की आयु तथा स्नातकोत्तर किसी भी आयु में डिप्लोमा कर सकता है। इन्होंने बताया कि लोक भाषा, लोक संस्कृति तथा लोक कलाओं के संरक्षण में हमारी लोक भाषाओं का योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी सोलन तथा डॉक्टर शंकर वशिष्ठ ने भी विचार साझा किए। सचिव अकादमी डॉक्टर करम सिंह ने अकादमी की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा हिमाचली भाषा को भारतीय भाषाई संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार भाषाई दर्जा दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। पूर्व प्रधान बलदेव सिंह ने अतिथियों का धन्यवाद किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो परमार पीठ के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम तैयार किया है वो अब अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है। उसको हमारी एकेडमिक काउंसिल ने भी पास कर दिया है और अभी निकट भविष्य में 30 छात्र पहाड़ी भाषा और बोलियों और लोक साहित्य पर डिप्लोमा कोर्स करेंगे। और यही नहीं, हिमाचल के लोक साहित्य और हिमाचल की जो प्राचीन परंपराएं हैं उस पर शोध भी करेंगे, पीएचडी कोर्सेज भी करेंगे, ऐसा हमने पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है। और वो तभी सार्थक होगा जब हम हिमाचल के ऐसे क्षेत्रों में जाकर के जहां वास्तव में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का योगदान हम स्मरण करें। तो क्या है, हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर परमार ने हिमाचल, जो हिमाचल निर्माता कहलाते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने पहाड़ी भाषा और लोक साहित्य पर के आधार पर ही तो हिमाचल का निर्माण अलग से पृथक राज्य के रूप में किया था। अगर हम आज भी जागे नहीं, चेते नहीं, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और इसकी सार्थक पहल हमने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्रारंभ कर दी है। आज हम नौणी पंचायत के सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारे इस नौणी पंचायत के जो माननीय प्रधान डॉक्टर मदन हिमाचली जी, जो लोक साहित्य, लोक भाषा के लिए समर्पित ऐसा व्यक्तित्व है, उनके सौजन्य से और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सौजन्य से हमारी लोक साहित्य और लोक की जो बोलियां हैं और पहाड़ी भाषा, इनके विषय में गांव के महत्वपूर्ण लोग चर्चा कर रहे हैं। और विशेष रूप से लोक साहित्य के लिए और पहाड़ी भाषा के जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो कैसे भावी पीढ़ी के लिए हम कैसे उनको सार्थक बना सकते हैं, इस पर विचार मंथन बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नौणी से सुनील कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।